राजनीतिक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक सत्ता हमारे हाथ में आने वाली नहीं है। जब तक विचार एक नहीं होंगे तब तक वोट भी आपके एक नहीं होंगे। दोष हम में है तभी ये 90% बिखरा पड़ा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बस मेरा ही नाम चमकना चाहिए, मैं अपने साथी को साथ ना लेके चलूं। यह दुर्भाग्य है, इसीलिए मेरा बहुजन समाज पिट रहा है। मैं अपील करूंगी अपने नेताओं से कि आप लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे को मत काटिएगा। मेरे सभी भाइयों से अपील है कि इन महिलाओं को नेता बनाइए। एक हो जाइए, जब तक सामाजिक और राजनीतिक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक सत्ता हमारे हाथ में आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे पास 90% वोट हैं लेकिन सब बिखरे पड़े हैं, विचार एक नहीं है इनके। जब तक विचार एक नहीं होंगे तब तक वोट भी आपके एक नहीं होंगे। मैं अपील करूंगी अपने नेताओं से कि आप लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे को मत काटिएगा। हम जनरल मनुवादियों का, स्वर्णवादियों का दोष नहीं देंगे। दोष हम में है तभी ये 90% बिखरा पड़ा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बस मेरा ही नाम चमकना चाहिए, मैं अपने साथी को साथ ना लेके चलूं। यह दुर्भाग्य है, इसीलिए मेरा बहुजन समाज पिट रहा है। मैं अपील करूंगी कि जो मंच है इस पे जाति अनुसार अगर बैकवर्ड 52 से 60% है तो यहां पर बैकवर्ड के वक्ता भी 52 से 60% होने चाहिए। अगर SC ST हमारा 22.5% है तो उसके आधार पर उसके नेता और वक्ता भी होने चाहिए। महिलाओं का 50% अगर हमारे लोग नहीं दे सकते तो मनुवादी स्वर्णवादी कैसे देंगे 50%। मैं चाहती हूं कि जातिगत आधार पर सारे संगठन और राजनीतिक पार्टियां जो है अपना जातिगत संतुलन पहले ठीक कीजिएगा, तभी मनुवादी जागेंगे। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका ज्ञान की देवी, इनका एक प्रोग्राम जंतर मंतर पर 11 बजे शुरू होगा। 3 जनवरी आप जो सावित्रीबाई फुले जी की जयंती होती है, जंतर मंतर पर 11 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा और 12 बजे उनको हम लोग उनके लिए जो है अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। महिलाओं का ये प्रोग्राम होगा। अगर आप महिलाओं वक्ताओं को सुन सकते हैं तो मेरे सभी भाइयों से अपील है कि इन महिलाओं को नेता बनाइए और उस प्रोग्राम में सभी शामिल होइए। ये आपकी महिलाओं की तरफ से पहली पेशकश जो है जंतर मंतर पर होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और एकता दिखा के एकता दिखाइए, स्वार्थ छोड़ दीजिएगा। नाच गाना होता तो ये पंडाल से लोग नहीं जाते, लेकिन आज जब इनकी राजनीतिक भागीदारी की बात हो रही है तो लोग, जब मैं आ रही थी तो झुंड का झुंड बना के जा रहे थे, 5 घंटे भी हम लोग बैठ नहीं सकते, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय भीम, जय संविधान, जय फूले, जय परिहर।